Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So this is the second video on time and work. Let's see this question. So it was A and B together can complete a particular task in 4 days. So statement mein thoda sa change hai last question ke comparison mein. A and B together can complete a particular work in 4 days if A alone can complete the same task in 12 days. So simply kya karo, yahan pe agar do values hain, यहाँ पे 12 यहाँ पे 4, दोनों का एलसीएम ले लो सो दैट तुम्हारी जो वैल्यूज आए वो सारी के सारी इंटीग्रल फॉर्म में आए और इट विल बी इजी टू सॉल्व देन. ओके, सो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 12. ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 4 डेज. सो इट मीन्स दैट ए प्लस बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 4 डेज और वी कैन से दैट इन 1 डे हाउ मेनी यूनिट्स विल बी कवर्ड. टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू 12. They are taking 4 days to complete the task, so it means that 3 units will be covered per day, right? A plus B will cover 3 units per day. Now, if A alone can complete the same task in 12 days, if A alone can complete the same task in 12 days, then what can be said about A? That is, A cover 1 unit per day. A cover 1 unit per day because we assumed that total number of units is equal to 12. If they are taking together 4 days, then it simply means that 3 units per day will be for A plus B. Now, if only A takes 1 unit or 12 days to complete the task, then it will be 1 unit per day for A only. So, what about B? If A plus B is equal to 3 units per day, only A is equal to 1 unit per day, then only B will be equal to 2 units per day. Simple si cheez hai, kuch zyada isme difficult nahi hai. डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अज्यूम करो, एक वैल्यू लो उसको और आगे प्रोसीड करो. यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स अलोन. नाउ इफ बी वर्क्स अलोन सो इट सिंपली मीन दैट 2 यूनिट्स पर डे विल बी देयर. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 12, सो इट विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कवर्ड बाय बी इन 1 डे. सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6. So our answer for this question will be equal to 6 days. I hope it is clear to everyone. Process समझ में आया होगा, हमारा जो answer आ जाएगा that will be none of these. तो ये जो question है अभी easy लग रहे होंगे because you got the concept. अगर आपको question का solving समझ में ना आ रहा हो कि किस तरह से आगे proceed करना है, then difficult हो जाते हैं आपके लिए exam conditions में और time consuming हो जाते हैं, जो कि time नहीं लगना चाहिए. These questions should be solved within 15 to 20 seconds. उससे ज़्यादा के question है ही नहीं. अराउंड 99% क्वेश्चन ऐसे होते टाइम एंड वर्क के जो विद इन 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो. तो वो चीज डेवलप करो अपने आप, और इन्हीं क्वेश्चंस पे अगर हम टाइम बचाएंगे तभी हम और अपने जो 34 क्वेश्चंस आने वाले क्वांट में उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट करने हैं हमें, उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर पाएंगे. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट वीडियो चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें अपडेट किया गया है. ठीक है, ओके, हैप्पी लर्निंग.